एक सर इधर भाभी का घर आई अभी। कितना दूध दूं बहन? जितना रोज देती हो। सिर्फ बहन को ही दूध देगी? तुम ही ले लो, वैसे दूध तो उन्हीं के लिए है। फिर मेरे लिए क्या है? दूध लो दूध। एक तो चोरों की तरह चुपके से आ गए, मुझे क्या मालूम तुम हो। अरे रुको। क्यों, एक सर हो तो गया? मालूम है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम व्रत के दिन ज्यादा दूध लगता है। मगर? मगर क्या, अगर नहीं चाहिए तो लौटा देना, और अगर नहीं लौटा सके तो पैसे नहीं लूंगी। चंदन, आज कितना दूध लिया? क्यों भाभी, ज्यादा लेना था क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, और लगता है दली भी आज जल्दी आ गई। नहीं भाभी, वो तो अपने समय से ही थी, आप ही पूजा में। अच्छा जी, तुम्हें कैसे मालूम? क्या घड़ी देखकर उसका इंतजार करते हो? नहीं भाभी, अंदाजा हो जाता है ना। बिल्कुल ठीक, अब मुझे भी कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है, कहीं तुम्हारे अंदाजे की तरह मेरा अंदाजा भी सही ना हो। क्यों भाभी, वो अच्छी लगती है बस। अच्छी तो मुझे भी लगती है वो, पर देवर जी इससे आगे मत बढ़िएगा। और हाँ, एक शेर और दूध ले लेना। ले लिया है भाभी, दली ने जबरदस्ती एक शेर और दे दिया और बोली आज उपवास है, दूध ज्यादा लगेगा। ओ, तो ये दली की अकलमंदी है। तभी तो मैं कहूँ कि दली की अकल के सामने तुम्हारी अकल क्यों नहीं काम करती। ठीक है, कल ही पूछूंगा। और वैसे तो अभी सुबह ही हुई है। जानता था आएगी जरूर। दली, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मैं तो अपने घर से आ रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ कहाँ? चंदन जी, कुछ बोलोगे या देखते ही रहोगे? कल दूध ज्यादा देकर तुमने बहुत अच्छा किया, वैसे भाभी को चाहिए था।
यही बताने के लिए इतनी दूर आए? नहीं नहीं, मैं तो किसी का इंतजार कर रहे थे। हाँ। किसका? तुम्हारा। क्यों? काहे को? क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? चलो बता देता हूँ, तुम्हें तो मैं बार बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सब ऐसा ही कहते हैं। अरे चंदन जी, दली को सब अच्छे लगते हैं, इसलिए दली भी सबको अच्छी लगती है। अब छोड़ो ये सब बात, लो दूध पियो, ताजा भैंस का दूध है। दूध? वो भी कच्चा? अरे पी कर तो देखो, इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, और ऊपर से मेरे हाथ का है, थोड़ा ही बचा है, ये लो। अरे पियो ना, तभी तो स्वाद पता चलेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे मालूम था। इसके पैसे? सत्यानाश, सारा स्वाद कड़वा कर दिया, बेचने और देने का फर्क भी नहीं मालूम। अरे गुस्सा मत हो दली, सुनो तो। चंदन जी, प्यार से दी हुई चीज की कीमत नहीं लगाई जाती, समझे? अरे दली सुनो तो। रास्ते में ऐसे चिल्लाते नहीं। अरे ये किताब भी उल्टी पकड़ी है। कहीं नहीं भाभी, बस कुछ सोच रहा था। अच्छा भाभी, आपने पायल पहनी है क्या? पायल? मैं कहाँ पहनती हूँ पायल, लेकिन तू पूछ क्यों रहा है? अभी पायल की आवाज आ रही थी ना, इसलिए आप आके बैठी तो बंद हो गई। उसकी पायल की आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई दे रही थी। हो सकता है कि कोई लड़की भूत बनकर तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रही हो और मेरे आते ही भाग गई हो। आपको देखकर तो बड़े बड़े भूत भाग जाएंगे, पर ये तो एक लड़की है। लेकिन उस लड़की का भूत तुम्हारे दिमाग पर हमेशा सवार रहता है, इसलिए तो उसके पायल की आवाज सुनते रहते हो। देवर जी, रोग ज्यादा बढ़ गया है क्या? पता नहीं भाभी, लेकिन आसार तो ऐसा ही है। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? जब इतना समझते हो तो दली के लिए अपनी दीवानगी कम कर दो। यही तो नहीं होता है भाभी, ना मेरे करने से ऐसा हुआ है, ना मेरे रोकने से रुकने वाला है। पर सच मानिए भाभी, जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। वो कहावत है ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बस बस। लेकिन चंदन, जो इमारत बन ही ना सकती हो उसकी नींव क्यों रखनी? जो सपने साकार ना हो सके उसे देखने का क्या मतलब है? देवर जी, उस राह पर चलने का क्या मतलब जिसकी कोई मंजिल ही ना हो? लेकिन क्यों भाभी क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारी हसीयत में फर्क है, वो दूध बेचने वाली और हम दूध खरीदने वाले। ऐसा नहीं है चंदन, पर जो मुमकिन नहीं है वो नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? भाभी, जब ये दो दिल मिलते हैं ना, तो शहनाई की जगह समाज ऊंच नीच और हैसियत का डोल नगाड़ा पीटने लगते हैं। आखिर भाभी, हम सब इंसान ही है ना। जानती हूँ और समझती भी हूँ कि तुम्हारी दली राधा के वंशज की है, जिसकी बड़ी बड़ी हैसियत वाले पूजा करते हैं। हाँ, अब ये दूध पी लो, लो। फिर रात सपने में दूध वाली आएगी और पायल की आवाज भी सुनाई देगी। तंग आ गई तुमसे? दूध,
क्या मुसीबत आ गई? मैं अभी चंदन से बात कर रही थी, मेरे ख्याल से अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आपने इस बारे में क्या सोचा है? अभी क्या सोचना, जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो सोचेंगे। वैसे भी तुम चंदन के ज़्यादा नज़दीक हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ बात है तो कह डालो। है तो कुछ, लेकिन आपकी रजामंदी भी तो ज़रूरी है ना? ठीक है, जब बात चलेगी तब सोचेंगे। अरे हमारा चंदन उस डली पर आँख गड़ाए बैठा है। कौन डली? हमारी दूध वाली। अरे वो तो मुझे ही बहुत पसंद है। चुप करिए, आप दोनों भाई एक जैसे हैं। अरे दूध ले लो, दूध। किसे देख रही हो? वो तो अभी सो रहा है। कौन है? वही तुम्हारा चंदन। सोया होगा देर से इसलिए। अच्छा ये तो बता, तेरे बापू कैसे हैं? ठीक है, उनको तो हमेशा मेरी लगन की फिक्र लगी रहती है। हर सयानी बेटी के बाप को फिक्र तो लगी रहती है, और फिर दली तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है। तो क्या हुआ, नहीं करना मुझे लगन। बापू कहता है भैंस बेचकर लगन का खर्चा निकालेगा। अब तुम ही बताओ, अगर वो ऐसा करेगा तो हम बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या? बाप रे, 24 घंटे हो गए लेकिन गुस्सा गया नहीं। मेरे गुस्सा करने से तुम्हें क्या पड़ी है? अरे पड़ी है, तभी तो थोड़े थोड़े इतनी दूर आया हो, सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ऐसा क्यों कहती हो? चलो लाओ तुम्हारा कच्चा दूध दो, मैं पीऊँगा। नहीं है दूध। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाया। क्या पता, तुम ही बताओ। मैं बताऊं? ये है एक पागल। मतलब तुम? क्या ठीक कहा ना? मैं पागल? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे घर जाना है। हाय राम, मेरे घर जाओगे? हाँ, तुम्हें बापू से मिलना है ना। मुझे घर से निकलवाओगे क्या? निकलवाऊंगा और तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। तुम तो बिल्कुल पागल हो, अभी जाओ। जाता हूँ, एक दिन सचमुच ले जाऊंगा। ठीक है बाबा, ले जाना, अभी जाओ। मेरे देवर ने तो कसम खा रखी थी
शादी करेगा तो सिर्फ चमेली से, इतने रिश्ते आए सब बेकार। फिर ये गुरु महाराज जी के पास गए, उन्होंने कहा छोकरे की जो मर्जी है उस हिसाब से करो, इसी में सबकी भलाई है। फिर क्या, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा वैसे किया, अब देवर और बहू खुश और ये भी। अरे विमला चाची कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। सुधा बहन अब चंदन के लिए भी लड़की ढूंढो। कहो तो मैं ढूंढूं? हाँ हाँ देखो ना, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। चंदन, हम तुम्हारे लिए लड़की देख रहे हैं, हम जिसे पसंद करेंगे उसे भी तो देख लो। क्या होगा देखकर भाभी? तुम्हें दली बहुत अच्छी लगती है ना, हम वैसी लड़की देखेंगे। फिर भी भाभी वो दली तो नहीं होगी ना। दूध लो दूध। लो। जय श्री कृष्ण सुधा बहन। जय श्री कृष्ण विमला बहन। तुम्हारे पास आई हूँ। हो सके तो आज ही चलो, गेला भाई को चंदन बहुत पसंद है। वो उनकी लड़की दिखाने के लिए तैयार है। मैं तो कहती हूँ चंदन और सुनंदा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लड़की तो हम देख लेंगे विमला बहन, पर हमारे चंदन को भी तो पसंद आनी चाहिए। चंदन देखेगा ना तो ना नहीं कहेगा। अब क्या बताऊं विमला बहन, हमारे चंदन के दिमाग में तो कोई और लड़की घूम रही है। विमला बहन, इसी दली के पीछे हमारा चंदन पागल है। क्या कह रही हो सुधा बहन? तो शू, चंदन की मत मारी गई है क्या? घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं? हाँ। नहीं नहीं, आज ही देखो सुनंदा को। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही कुछ इंतजाम करती हूँ। मैं तुम्हें दोपहर तक खबर भिजवाती हूँ। जी हा? मैं चलती हूँ। हाँ। विमला आई थी, कह रही थी कि घेला भाई की लड़की बहुत सुंदर और सुशील है, हमारे चंदन के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। चलिए ना आज शाम को उसे देखकर आते हैं। मैं? हाँ। नहीं नहीं, चंदन को साथ लेकर जा, उसे पसंद आ जाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि चंदन साथ चलने को राजी होगा। तो मत जाओ। इसे तो कुछ बात करना ही बेकार है। हे भगवान। चंदन, चंदन तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया है, चलो आज शाम को उसे देखकर आते हैं। लड़की देखकर क्या होगा भाभी, जब मुझे किसी और से शादी ही नहीं करनी। तो फिर किससे करोगे शादी? उस ग्वालिन से? जब तुम्हें मालूम है कि ये नहीं हो सकता तो फिर क्यों जिद कर रहे हो? भाभी आप क्यों नहीं समझती हो, शादी मुझे करनी है, जिंदगी मुझे बितानी है उसके साथ। लेकिन वो दली इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तो ठीक है, नहीं बन सकती तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है। सुनिए जी, आपका भाई तो पागल हो गया है, उसका पागलपन हम सबको एक दिन ले डूबेगा। पागल कैसे हो गया? अरे वही दूध वाली, पता नहीं क्या जादू कर दिया है चंदन पर, आप कुछ कीजिए। ठीक है, उसका इलाज मैं करता हूं। समझता है क्या आपने आपको? आप इलाज करेंगे? पहले अपना इलाज करवाइए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। दूध लो दूध।
ना, चल। सुधा, चंदन, सुधा, यही है ना जिसकी वजह से चंदन तुम्हारी पसंद की लड़की शादी नहीं करना चाहता। जी हाँ। लेकिन भैया अब इसे कुछ मत कहिए, इस बिचारी का कोई दोष नहीं है। चुप कर, गलती करेगा तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सुधा, विमला के देवर का जो मामला था वही हमारे चंदन का है, और मैं भी गुरुजी से मिल चुका हूं, उन्होंने सलाह दी है कि चंदन की पसंद से हम लोग राजी हो जाएं। क्यों चंदन, खुश तो है ना भैया? सुधा संभाल उनको, करा दूं दोनों की शादी। भाई मेरा काम तो खत्म, अब मैं चला। अरे वाह चंदन, भाई से तो खुशी से लिपट गया था, अब जिससे खुशी जाहिर करनी है वो ऐसे ही खड़ी रहेगी क्या? चल दे। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो।